आज के लिए स्टॉक है EIH लिमिटेड यानी कि ईस्ट इंडिया होटल्स। आप देखिए इनके नंबर्स जो हैं बुधवार यानी कि 4 तारीख को आने वाले हैं और शानदार नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट 1949 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके बाद आप देखिए लगातार कंपनी ने प्रोग्रेस किया है और खासकर आप देखिए यहाँ पर ओबेरॉय ट्राइडेंट जैसे प्रीमियम होटल्स जो हैं जो ब्रांड्स हैं उसको ये ऑपरेट करती है और मैनेज भी करती है और साथ ही आप देखिए यहाँ पर इनका क्रूजेज में भी इनका ऑपरेशंस है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आगे बड़ा रीओपनिंग प्ले रहेगा, इसको फायदा मिलेगा। इंडियन होटल्स की भी हमने सालाना आधार पर रिकवरी देखी पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर आप देखें तो यहां पर जबरदस्त नंबर आने की उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट रूम रेंट में आप देखिए औसतन 30-35% की बढ़त हमें देखने को मिली थी जिससे कि कंपनी को बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि इनकी कुल 33 होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं जिसमें लगभग आप कैलकुलेट करेंगे तो 5000 रूम्स हैं। तो आप अगर 30-35% का एवरेज रूम रेट औसत रूम रेट अगर बढ़ेंगे तो इनकी अर्निंग्स और रियलाइजेशंस में आपको काफी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा और आई थिंक इसी कॉन्फिडेंस के साथ FIIs भी इसमें खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। 2.83% से जो लास्ट ईयर मार्च 21 में थी इस बारी मार्च 22 की होल्डिंग 3.75% हो गई है तो क्लियर कट कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अब आते हैं नंबर्स पर। आए आप देखिए सालाना आधार पर तो बेहतरीन रिकवरी की हम एक्सपेक्टेशंस लगा ही रहे हैं बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सालाना आधार पर बात कर लेते हैं। 216 करोड़ था पिछले साल, इस बारी 450 करोड़ रुपए की अर्निंग्स कंपनी पोस्ट कर सकती है। यही नहीं एबिटडा के लेवल पर आप देखिए घाटा था 24 करोड़ का, 132 करोड़ रुपए के मुनाफे में ये तब्दील हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, 49 करोड़ के घाटे के मुकाबले 78 करोड़ का मुनाफा भी कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है और इस बारी नेगेटिव से पॉजिटिव मार्जिन होंगे और 29.3% के मार्जिन एक्सपेक्टेड है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी मार्जिन के लिहाज से 23% थी पिछले क्वार्टर में और इस बारी ऑलमोस्ट 6.3% बढ़कर 29.3% पर रहेगी। आय के फ्रंट पर भी 365 से 450 का आंकड़ा और मुनाफे के लिहाज से भी केवल 38 से 40 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, इस बारी यह आंकड़ा ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखेगा 78 करोड़ पर। ओके, तो यह है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए एक्शन है भरपूर, EIH लिमिटेड। नतीजे आएंगे परसों, राइट? यस, परसों आने वाले हैं रिजल्ट्स और रिजल्ट से पहले एक बार बता दूं कि 10 की कमाई के तौर पर कुणाल जी राकेश जी ने भी इस स्टॉक को दिया था टारगेट 200 रुपए के आसपास के, जहां तक मुझे याद है।